हेलो दोस्तों, आज का खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से मोबाइल के थ्रू नेट चलाना चाहते हैं। मोबाइल फोन से इंटरनेट चलाना चाहते हो, कैसे चलाएं? तो ऐसे सवाल है वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहते हैं, तो आज के बाद नहीं रहेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद में शायद ही आप लोग ऐसा कुछ सर्च करोगे इंटरनेट पे कि आपको यूएसबी के थ्रू इंटरनेट के साथ चलाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का ये सारा डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। तो वैसे तो आज के टाइम में वाईफाई और ब्लूटूथ से भी आप है वो इंटरनेट चला सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जिसके अंदर हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर कभी कभी बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी जो डिवाइस है वो सही तरीके से अपडेट नहीं किए होते हैं, तो वाईफाई या ब्लूटूथ काम नहीं करता। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा नेट चलाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। उस स्थिति के अंदर हम लोग मोबाइल को यूएसबी केबल के थ्रू भी नेट है वो चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोगों को पता होता है कि यूएसबी के थ्रू है वो इंटरनेट कैसे चलाएं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये पता नहीं होता है कि यूएसबी के थ्रू है वो इंटरनेट अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कैसे चलाएं। तो आज का खास वीडियो उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आप समझ पाओगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और सारी डिटेल है वो आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें यूएसबी के थ्रू नेट चलाने की कब जरूरत पड़ती है? हमें यूएसबी के थ्रू नेट चलाने की उस स्थिति के अंदर जरूरत पड़ती है, सपोज कि आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है, या किसी कारण से खराब हो चुका है, या ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा है, लाइन आप यूज नहीं कर रहे हो, यूज कर रहे हो लाइन भी खराब है। तो बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीका है कि आप अपने मोबाइल के अंदर यूएसबी थ्रू भी नेट चला सकते हो। कैसे चला सकते हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए। अभी तो मैं बता दूं कि मेरे लैपटॉप में आपको दिख रहा होगा वाईफाई है वो कनेक्टेड किया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन किया, ठीक है, अब इसको ओपन होने में जितना टाइम ये लेगा उतना लेगा। तो ये गूगल ब्राउजर है वो ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे गूगल को सर्च करूँगा, तो ये देखिए अभी खुल रहा है। क्यों? क्योंकि वाईफाई कनेक्टेड है। तो मैं इस वाईफाई को है वो बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब कोई इंटरनेट नहीं है। अब सिंपली आपको अपने मोबाइल से वो चलाना है। कैसे चलाना है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर आपकी जो भी यूएसबी केबल है उसको अपने मोबाइल के अंदर है वो लगाना है इस तरह से। जैसे आप लगाओगे तो आपके मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर भी वहाँ पे कनेक्टिविटी शो हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको मोबाइल के अंदर क्या करना है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखिए। आप मोबाइल में क्या करना है, आपको मोबाइल के अंदर है वो बहुत ही सिंपल से सेटिंग के अंदर जाना है। मोबाइल की सेटिंग के अंदर आप जैसे ही जाते हो उसके अंदर आपको वहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और नीचे ही नीचे आपको मिलेगा ये देखिए पर्सनल हॉटस्पॉट, ठीक है। वहाँ पर्सनल हॉटस्पॉट पे आप जाओगे, उसके बाद आपको मिलेगा अदर शेयरिंग मोड, यहाँ नीचे नीचे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक तो आपको दिख रहा है शेयरिंग फोन नेटवर्क ब्लूटूथ के द्वारा या शेयरिंग फोन नेटवर्क यूएसबी के द्वारा। तो मुझे जो नेट है वो शेयरिंग किसके द्वारा करना है, यूएसबी के थ्रू करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल तरीके से मैं अपने मोबाइल के अंदर है वो यूएसबी पे क्या कर दूँगा, ऑन कर दूँगा। तो मैंने ये यूएसबी ऑन कर दी। जैसे आप यूएसबी ऑन करते हो तो आप यहाँ पे अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर देखोगे यहाँ नेट है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यस करने से पहले आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं एक बार आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कराता हूँ, तो वो नेट है नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, ये देखिए नो इंटरनेट। अब जैसे ही मैं अपने मोबाइल के अंदर यूएसबी मोड ऑन करता हूँ और आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर कनेक्टेड हो जाती है, तो अब वो गूगल खुलने लगा है। तो आप भी दोस्तों अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में वाईफाई की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। धन्यवाद।
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें।